नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सर आपके इस यूट्यूब चैनल CGGK with DK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, अभी 27 अगस्त को महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसमें आप लोग का हिंदी का जो सिलेबस है उसको मैं MCQ के माध्यम से पूरा कवर कराऊँगा, जो कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप लोग अच्छे से इस MCQ को करते चलना और पढ़ते चलना दोस्तों। तो पहला आप लोग याद रखना, जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला आप लोग के सिलेबस में दिया है शब्द रचना। तो शब्द रचना के अंतर्गत हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं सभी जो सिलेबस है, संज्ञा सर्नाम विशेषण और जो उपसर्ग प्रत्यय, सभी को धीरे धीरे MCQ के माध्यम से पूरा करूँगा। पहले आप लोग धीरे धीरे अच्छे से इसको करते चलिए। तो आप लोग का ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के MCQ है। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना, जो कि आप लोग का सिलेबस का पहला चैप्टर है, तो इसी के MCQ पहले करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग दिया है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। तो दो भेद, जैसे कि ऑप्शन भी आप लोग का सही हो जाएगा। दो भेद क्या क्या होते हैं अर्थ के आधार पर, याद रखना है। सबसे पहले एक सार्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जो अर्थ दे, सार्थक शब्द कहलाता है। दूसरा याद रखना है दोस्तों, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द जो अर्थ नहीं देता हो, निरर्थक शब्द कहलाता है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। इसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है दूसरा क्वेश्चन दिया है, परिवर्तन या रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। परिवर्तन या रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन है ए में 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो रूपांतर और परिवर्तन के अनुसार शब्दों के दो ही भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? दो भेद। जिस प्रकार आपका ऑप्शन डी दिख रहा है सही हो जाएगा, डी। तो पहला क्या हो जाएगा? विकारी शब्द, और दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी आता है दोस्तों। और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मेरा वीडियो नहीं देखे होगा तो जा कर के हिंदी में देख लेना। इसके बाद आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आप लोग का, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, कितने भेद होते हैं। रचना बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए। तो याद रखना, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद? तीन भेद। जैसे कि ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। तो तीन भेद में क्या क्या, पहला याद रखना रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा याद रखना योग रूढ़, योग रूढ़। और तीसरा याद रखना यौगिक, यौगिक शब्द। इस प्रकार तीन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। फिर देखो चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन में याद रखना है आप लोग को, आप लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं दोस्तों, चार भेद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार भेद। तो चार भेद क्या क्या, तत्सम, दूसरा तद्भव, तद्भव, उसके बाद तीसरा
देसाज, देसाज, और चौथा याद रखना है विदेशज, विदेशज, विदेशज। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर है? इस प्रकार की एग्ज़ाम में आप लोग का पूछ जाता है, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, कौन सा शब्द तुर्की शब्द है, कौन सा फारसी शब्द है, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन उसी प्रकार है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन में तुर्की शब्द को पहचानिए, तुर्की शब्द है इस प्रकार। तो दिया है ऑप्शन ए कैंची, बी नर्स, सी बोतल, डी आलपिन। इसमें का तुर्की शब्द पहचानना है आप लोग को, ठीक है दोस्तों? तुर्की शब्द तो याद रखना, ऑप्शन ए कैंची, कैंची हमारा एक तुर्की शब्द है दोस्तों। क्या है? कैंची तुर्की शब्द है। और नर्स देखा जाए तो नर्स जो हमारा ऑप्शन बी में है, नर्स आप लोगों का अंग्रेजी का शब्द है, नर्स अंग्रेजी का शब्द है। और बोतल, बोतल आप लोगों का पुर्तगाली है दोस्तों। क्या शब्द है? पुर्तगाली। बोतल और आल्पिन दोनों दोनों आप लोग का पुर्तगाली शब्द है। तो इस प्रकार तुर्की शब्द कैंची एक आप लोग का तुर्की शब्द है, याद रखना, कैंची, कैंची तुर्की शब्द है दोस्तों। अब इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोग का छठवा क्वेश्चन क्या है पहचानिए। छठवा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अरबी शब्द पहचानिए, अर्थात अरबी शब्द है दिए हुए ऑप्शन में, अरबी शब्द पहचानना है। तो अरबी शब्द में देखिए, अरबी शब्द क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है आप लोग कूली, ऑप्शन बी जग, सी मालूम, डी तंबाकू। तो अरबी शब्द हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी मालूम, मालूम आप लोग का अरबी शब्द है। कूली आप लोगों का तुर्की शब्द है, कूली, कूली जो है आप लोग का तुर्की शब्द है, तुर्की, तुर्की शब्द है दोस्तों, कूली तुर्की शब्द है। उसके बाद कूली के बाद याद रखना है आप लोग को जग, जग अंग्रेजी शब्द है, जग आप लोग का अंग्रेजी शब्द है, जानते हो सभी के जे ए जू जग मतलब जग, जग अंग्रेजी शब्द है। और तंबाकू आप लोगों का पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द है। और मालूम आप लोग का अरबी शब्द है। इस प्रकार अरबी का अरबी शब्द मालूम हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद याद रखना है दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन है सातवां, पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द पहचानिए। तो इसमें का पुर्तगाली शब्द पहचानिए, जैसे कि ऑप्शन ए है चमचा, बी है गमला, सी है दवा और डी है बीमार। पुर्तगाली शब्द पहचानना है। तो पुर्तगाली शब्द में देखिए दोस्तों आप लोग का हो जाएगा आप लोगों का गमला, गमला आप लोग का सही हो जाएगा, गमला एक पुर्तगाली शब्द है। और देखा जाए ऑप्शन ए जो चमचा दिया है, चमचा आप लोग का तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। और दवा जो है आप लोग का अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, अरबी, दवा अरबी है। और बीमार आप लोग का फारसी शब्द है, बीमार फारसी, बीमार आप लोग का फारसी शब्द है दोस्तों, फारसी, फारसी, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग का आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां हो जाएगा निम्न में से फारसी शब्द की पहचान कीजिए, निम्न में से फारसी शब्द की पहचान कीजिए, फारसी शब्द। तो फारसी शब्द की पहचान करो दोस्तों, तो ए जान, बी लफंगा, सी स्वेटर और डी चाबी। तो ऑप्शन ए, ए सही जवाब होगा दोस्तों, सही आंसर होगा जान, जान आप लोग का फारसी शब्द है। और लफंगा आप लोग का एक तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की, तुर्की। स्वेटर सभी जानते हो, स्वेटर हमारा अंग्रेजी का शब्द है, सभी इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का, अंग्रेजी। और चाबी जो है आप लोग का याद करो पुर्तगाली है, पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली हो जाएगा आप लोगों का, पुर्तगाली चाबी, पुर्तगाली हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का फारसी शब्द हो जाएगा जान, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद आगे आगे देखते हैं हम लोग नौवा के।
तो इस प्रकार आप लोग का नौवा देखा जाए, नौवा शब्द है, मतलब नौवा क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशज शब्द पहचानिए। विदेशज शब्द है तो विदेशज शब्द कौन सा है पहचानिए। ए काजू, बी तीर, सी काजू नहीं माला, और डी फाटक। ए काजू, बी तीर, सी माला और डी फाटक। तो इसमें का विदेशज शब्द है दोस्तों आप लोगों का काजू। काजू एक पुर्तगाली शब्द है, क्या है, पुर्तगाली शब्द है। तो ऑप्शन ए अर्थात काजू सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी हमारा देशज शब्द है, तीर माला फाटक को सभी हमारा देशज शब्द है। इसके बाद देखने हैं दोस्तों दसवां क्वेश्चन, बाल्टी कौन सा शब्द है। तो हमें बाल्टी देखने हैं दोस्तों, बाल्टी कौन सा शब्द है। तो बाल्टी कौन सा शब्द है पहचानिए दोस्तों। बाल्टी एक पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल्टी आप लोग का पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद आगे देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन, विदेशज के शब्द नहीं है। इसमें पहचानना है दोस्तों गिरगिट हमारा तो देशज शब्द है। गिरगिट हमारा क्या है, देशज शब्द है। जुगनू भी हमारा देशज शब्द है। चूड़ू भी हमारा देशज शब्द है, अर्थात सभी हमारा देशज के शब्द है। इस प्रकार विदेशज शब्द नहीं है, अर्थात सभी के सभी हमारा विदेशज शब्द नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का बारवा, अंग्रेजी शब्द नहीं है दोस्तों। देखो आप लोग का क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शब्द नहीं है पहचानी। तो अंग्रेजी शब्द कर्नल हमारा अंग्रेजी का शब्द है। केक, ठीक है, केक भी अंग्रेजी का शब्द है। पेन भी है, मलेरिया भी है, लेकिन अंग्रेजी शब्द नहीं। तो कर्नल जो है हमारा एक पुर्तगाली का शब्द है। पुर्तगाली का शब्द याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। क्या, कर्नल हमारा पुर्तगाली का शब्द है। इसके बाद यदि देखना अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, सरकार कौन सी भाषा का शब्द है। तो सरकार आप लोगों का एक फारसी शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरकार हमारा फारसी का शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पुर्तगाली के शब्द नहीं है। तंबाकू देखो, फीता, साबुन, ये सभी हमारा पुर्तगाली के शब्द नहीं है। तोप आप लोगों का जो है तुर्की शब्द है। तोप कौन सा शब्द है, तुर्की का शब्द है। इस प्रकार पुर्तगाली के शब्द हो जाएगा नहीं है, तोप पुर्तगाली के शब्द नहीं है। तोप एक हमारा तुर्की शब्द है। फिर आगे बढ़ना है दोस्तों, आगे बढ़ो, लास्ट टाइम अंतिम क्वेश्चन आप लोग का, रिक्शा कौन सी भाषा के शब्द है। तो रिक्शा याद रखना दोस्तों आप लोगों का ये जापानी शब्द है। रिक्शा आप लोगों का कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। तो ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा, ये आप लोग का जापानी शब्द है, जापानी शब्द है। इस प्रकार दोस्तों अगर ये MCQ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।